हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 प्रेयर. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर्स एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट. ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्यूशंस को बताऊँगा. ठीक है, इस पे देखिए जो नंबर 1 पे ये रिटर्न हुआ है, नंबर 1 पे क्या राइट है आप इसको ध्यान से देखिए ज़रा. डू यू प्रे गॉड, क्या आप भगवान की पूजा करते हो. प्रे मतलब क्या होता है, पूजा करना. ठीक है, डू यू प्रे गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान की पूजा करना. ठीक है ना, गॉड मीन्स क्या होता, कौन होता है, भगवान होता है. दूसरा वाला यहाँ पे क्या दिया है, हाउ डू यू फील आफ्टर द प्रेयर, मतलब प्रेयर के बाद आप कैसा फील करते हो. ठीक है ना, तो प्रेयर के बाद हम कैसा फील करते हैं, हम इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन को फील करते हैं. ओके, तो चलिए अब हम आपके इस क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा. पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ग्रास फॉर फ्लावर्स ग्रोइंग ट्रीज, मतलब ग्रास के लिए, ग्रास मीन्स क्या होता है, घास जो होती है उसी को बोलते हैं, फ्लावर्स के लिए और ग्रोइंग ट्रीज के लिए, ट्रीज़ के लिए जो उगते हुए पौधे हैं. ठीक है ना, फॉर बर्ड्स के लिए, बटरफ्लाइज के लिए और फॉर एंड बीज के लिए. ओके, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर, काय के लिए, हमारी पिता के लिए और हमारी माँ के लिए. फॉर आवर सिस्टर, देखिए नीचे वाले में क्या लिखा हुआ, नीचे वाले लाइन पे, फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर्स, मतलब अपने हमारे सिस्टर्स के लिए और हमारे भाइयों के लिए. बी थैंक यू गॉड, हम आपकी आपको क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गॉड को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं. आप समझ लीजिए, फिर से समझिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स, मतलब ग्रास और फ्लावर्स के लिए, एंड ग्रोइंग ट्रीज, जो उगते हुए पेड़ हैं उनके लिए. फॉर बर्ड्स, जो कि बर्ड्स हैं उनके लिए. एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, जो बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ, बीज मीन्स मक्खियाँ, मधुमक्खी और मक्खी दोनों बोलते हैं. फॉर अवर फादर्स, अपने फादर्स के लिए. फॉर अवर मदर्स के लिए, अपनी माँ के लिए. ठीक है ना, फॉर अवर सिस्टर्स, अपने बहन के लिए. और फॉर अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए. बी थैंक यू गॉड, हम आपको क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस पोएम पे क्लास, तो वो क्या है, फॉर होम्स, मतलब घर के लिए. ऑल द लव्स दैट देयर, मतलब जो भी प्यार यहाँ पे है. ठीक है ना, जैसे आपको अपने अंकल आंट से, पापा से, मम्मी से, ब्रदर से, सिस्टर से आपको क्या मिलता है, प्यार मिलता है, लव का मिलता है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं. ठीक है ना, फॉर फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके लिए. और क्या है, और क्या है, क्लॉथ्स वी वियर, मतलब जो कपड़ा हम पहनते हैं उसके लिए. फॉर बुक्स टू रीड, जो किताबें हम पढ़ते हैं उसके लिए. एंड सॉन्ग्स टू सिंग, जो गाना हम गाते हैं उसके लिए. फॉर प्लेमेट्स, मतलब जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ खेलते हैं उनके लिए. एंड फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने हमको दिया है. बी थैंक यू गॉड, हम आपको बहुत बहुत क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं. ठीक है ना, एक बार फिर से समझते हैं इसको क्या बोलना चाह रहा है. देखिए अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ. फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, मतलब जो भी हमारे पास घर है और जो भी प्यार है वह हमारे घर पे, उसके लिए. फॉर फूड, जो खाना हम खाते हैं, वी ईट. एंड क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़ा हम पहनते हैं. फॉर बुक्स टू रीड, जो आपने हमको बुक दी है पढ़ने के लिए. एंड सॉन्ग्स टू सिंग, जो गाना दिया है गाना गाने के लिए. फॉर प्लेमेट्स, जो हमको आपने प्लेमेट्स दिए जो हमारे साथ खेलते हैं उनके लिए. एंड फॉर एवरीथिंग्स, मतलब सब चीज़ों के लिए आपको हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं गॉड. ठीक है, तो ये इसका पोएम का हमारा सा डिस्क्रिप्शन था. ठीक है ना, हम आपको इसको एक्सप्लेन किए हैं और अब क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. तो क्लास इसका सोल्यूशंस मैं आपको बता देता हूँ. सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. पहले क्या लिखा हुआ, पहले वाले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए. उसने बोला, उन्होंने बोला है बुक में कि सर्कल द ऑड वन. सर्कल द ऑड वन का मतलब होता है जो अलग है उसको क्या करिए, सर्कल करिए, मतलब सर्कल करिए, उस पर गोला लगाइए. ठीक है ना, तो फ्लावर्स, ग्रास, बर्ड, ट्री, तो इस पर क्या है, हमारा जो है बर्ड जो है अलग है वो, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से ही बुक पे हमारे गोला लगा हुआ है. ठीक है ना,
फिर बर्ड, बीज, बटरफ्लाई एंड बफेलो। बर्ड भी उड़ता है, बीज भी उड़ता है, बटरफ्लाई भी उड़ता है, पर क्या देखो आप बफेलो उड़ता है तो हम बफेलो नहीं उड़ता, तो बफेलो पे क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। फिर अगला वाला देख लीजिए, सॉन्ग, फूड, क्लॉथ्स एंड होम। आप ये देखिए, आप बताइए, फूड हमारी बेसिक चीज़ है, यहाँ पे जो हमको फूड मिलता है वो हमारा क्या बेसिक है, क्लॉथ जो हमारा बेसिक है, होम जो हमारा बेसिक है, लेकिन सॉन्ग हमारा बेसिक नहीं है, इसमें डिफरेंट वर्ड क्या है, हमारा सॉन्ग है, इसलिए हम क्या करेंगे, सॉन्ग पे गोला लगाएंगे, ठीक है। अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, सी नंबर वाला, इसको चेक करते हैं ज़रा। सी नंबर वालों क्या पर क्या बोला है, फादर बोला है, ब्रदर बोला है, सिस्टर बोला है, ये सारे हमारे रिलेटिव हैं, लेकिन जो सिंगर होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। सिंगर मींस कौन होता है, गायक होता है, तो सिंगर्स में अगर हम गायक की बात कर रहे हैं तो गायक तो बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए हम गायक पे क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर डी क्या, बुक, पेंसिल, पेन, ये हमारे तीनों पढ़ाई की चीज़ें हैं, बुक, पेंसिल और पेन, लेकिन वाटर तो पीते हैं, ये अलग चीज़ हो गया, इसलिए ऑड नंबर जो अलग है वो क्या है, हमारा वाटर है, इसलिए उस पर हम क्या कर रहे हैं, गोला लगा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसी के नीचे मैंने इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं, आप ये देख लीजिए, इसके जो आंसर्स हैं हमारे, ये उसके आंसर्स क्या हैं, पहले वाले में हमारा बफेलो हो जाएगा, सेकेंड वाले में सॉन्ग हो जाएगा, थर्ड वाले में सिंगर हो जाएगा, फोर्थ वाले में हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द बी नंबर, जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, तो कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड, ठीक है। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हों उनको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, बुक है, प्लांट है, पेट है, प्रेयर्स है एंड गेम्स है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे वी से डैश एवरी डे, हम क्या कहते हैं, पर डे हम क्या करते हैं, देखिए इसका सलूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको, एक मिनट, सेकंड वाला का देखिए सलूशन जो है यहाँ पे लिख रखा है, हर दिन हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, हर दिन हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी आर ए वाई ई आर एस, प्रेयर्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि बी हमारा जो है क्या है, हमारा यहाँ पे क्या है, इसलिए आपका पहले वाले में हमारा बी जो है प्यूरल है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पे इसको मेंशन करना है बस, तो जैसे मेंशन करेंगे तो मेंशन कर देना, तो हम पर डे क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, वी वाटर एवरी डे, हम क्या करते हैं, वाटर द प्लांट्स, हम क्या कहते हैं, पौधों को पानी देते हैं, वाटर द प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पौधों को पानी देना, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा प्लांट्स हो जाएगा, सेकेंड में हम क्या पुट अप करेंगे, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स, ओके। तो हम क्या करेंगे सेकेंड वाले में, प्लांट्स को पुट अप करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर वाला चेक कर लेते हैं, थर्ड नंबर वाला क्या है क्लास, इसमें थर्ड नंबर बोल रहा है, बी प्ले डैश 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 एवरी डे, बी प्ले डैश 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 एवरी डे, तो हम क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं ना, ये देखिए जो ऑप्शन है हमारा, ये इसमें किस में हो जाएगा, थर्ड नंबर पे, बी प्ले गेम्स एवरी डे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्लास, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी रीड डैश एवरी डे, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, क्या रीड करते हैं हर दिन, देखिए बी रीड बुक्स एवरी डे, ये बुक को आप यहाँ पे ले आएंगे फोर्थ नंबर वाले में, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी रीड बुक्स एवरी डे। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में हमारा क्या आ जाएगा क्लास, फोर्थ नंबर हमारा बुक्स आ जाएगा, बी फीड आवर डैश एवरी डे, बी फीड हम किसको खाना खिलाते हैं बताइए, यहाँ पे पेट्स को, पेट मतलब कौन होता है, पालतू जानवर, जैसे आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, ये क्या कहलाते हैं आपके, पेट एनिमल कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे क्या, यहाँ पे हमारा मेंशन हो जाएगा पेट्स, ओके। इस क्वेश्चन के मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस बता दिए हैं क्लास, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशंस भी लिख रखे हैं, तो फर्स्ट वाले में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में हमारा प्रेयर हो जाएगा, सेकंड में प्लांट हो जाएगा, थर्ड में गेम्स हो जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, फिफ्थ में हमारा पेट्स हो जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्लास, क्वेश्चन पे जब आप जाएंगे बुक पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फाइंड
आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं पोएम में जो आपके गिवन है। तो राइमिंग वर्ड्स हमारा पोएम में क्या, पहले ट्री का क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, मदर का ब्रदर हो जाएगा, देयर का वियर हो जाएगा, सिंग का थिंग्स हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, जो कि मैंने आपको आंसर के साथ लिख के रखे हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर वो ये जो क्वेश्चन था वो पहला वाला नंबर वन था। अब क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर बी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी लाइन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इस पोएम पे। तो आप अपने हिसाब से लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो आप क्या करेंगे, फॉर बुक्स टू रीड, जो आपने हमको किताबें दी हैं पढ़ने के लिए, सॉन्ग्स टू सिंग, जो गाने दिए हैं गाने के लिए, एंड फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, ये लाइन जो है हमको क्या है, फेवरेट लाइन है। तो इसका आप आंसर इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखिए Why should be thankful to God? हम भगवान के थैंकफुल क्यों होने चाहिए, भगवान को हमें धन्यवाद क्यों कहना चाहिए। तो अब हमको क्या है, God has given us everything, God ने हमें सब कुछ दिया है, which we desire, जिसकी हमने क्या की है, इच्छा की है। So we should thankful to God, हमें क्या करना चाहिए, God को thank you करना चाहिए। इसलिए हमें God को क्या करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है इस क्लास, व्हाट इज द सिंपलीस्ट वे टू थैंक्स टू गॉड, सबसे आसान तरीका क्या है गॉड को थैंक यू कहने का। तो सबसे आसान तरीका क्या है गॉड को थैंक यू कहने का, प्रेयर इज द सिंपलीस्ट, यहाँ पे एम होना चाहिए, जो एन लिखा है क्लास यहाँ पे आप इसको एम कर लीजिएगा, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया। सो क्या बोल रहा है, प्रेयर इज़ द सिंपलीस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, प्रेयर जो है वो क्या है, सिंपलीस्ट वे है, काहे के लिए, प्रे करने के लिए, किसको, गॉड को, भगवान को धन्यवाद करने के लिए जो प्रेयर है वो सबसे सिंपलीस्ट वे है, तरीका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, लेट्स टॉक में करके है, कुछ क्वेश्चन हैं, आस्क टू योर क्लासमेट एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने क्लासमेट से पूछना है ये क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, किसने हमें फादर और मदर को दिया है। तो सीधी सी बात है, गॉड हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, गॉड ने हमें क्या दिया है, फादर एंड मदर को दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, वॉट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, गॉड ने हमें क्या दिया है रीड करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास, गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, गॉड ने हमें क्या दिया है, बुक्स दिया है, काय के लिए, रीड करने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्लास, सी नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सी नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, वॉट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम फ्लाई, मतलब गॉड ने बर्ड्स को क्या दिया है जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सो गॉड हैज़ गिवन द फेदर्स बाई विच बर्ड्स कैन फ्लाई, गॉड ने पक्षियों को क्या दिया है, पंख दिया है, जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, वॉट डू वी डू थैंक गॉड, ये वॉट की जगह यहाँ पे बाई होना चाहिए क्लास, ये साथ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से, इसको एक बार चेक कर लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। वाई डू वी डू टू थैंक्स गॉड, तो इसको आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी प्रे टू गॉड टू थैंक्स हिम, हमें गॉड को क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए, क्या करने के लिए, उनको थैंक्स कहने के लिए। ओके, ठीक है क्लास। चलिए अब यहाँ पे लिखा है, नेम द थिंग्स गिवन बाय द गॉड, उन चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि आपको गॉड के द्वारा दिए गए हैं। तो गॉड के द्वारा आपको क्या दिया, गॉड हैज़ गिवन द फॉलोइंग थिंग्स, ग्रास दिया है, फ्लावर्स दिया है, मदर दिया है, फादर्स दिया है, सिस्टर दिया है, ब्रदर दिया है, होम दिया है, फूड दिया है, क्लॉथ दिया है, बुक दिया है,
प्लेमेट्स दिया है, सॉन्ग दिया है, लव दिया है एंड एवरीथिंग, सब कुछ दिया है जो उनको हमको ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था ना। वॉट डू वी डू टू थैंक गॉड, हमें क्या करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन जो डाउट में था क्लास, ये वाला तो ये सही लिखा है। वॉट डू वी डू हमें क्या करना चाहिए गॉड को थैंक्स करने के लिए, तो वी प्रे टू गॉड टू थैंक्स हिम, हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए या प्रे करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए गॉड्स को थैंकफुल कहने के लिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चन नंबर लेट्स टॉक वाला है, इसके मैंने आपके सारे आंसर्स इसके बताए हैं आपको। ठीक है, चलिए अब क्या कहें, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्या है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गॉड गिवन, 5 चीज़ें लिखनी हैं जो कि हमको क्या है गॉड ने दिया है। तो पहली लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, गॉड हैज़ गिवन अस द फूड, गॉड ने हमें क्या दिया है, खाना दिया है। गॉड हैज़ गिवन अस क्लॉथ, गॉड ने हमें क्या दिया है, क्लॉथ दिया है, कपड़ा पहनने के लिए। गॉड हैज़ गिवन अस बुक, गॉड ने हमें बुक दिया है पढ़ने के लिए। गॉड हैज़ गिवन अस प्लेमेट्स, खेलने के लिए, गॉड ने हमें प्लेमेट्स दिए हैं, साथी दिए हैं, काहे के लिए, खेलने के लिए। गॉड हैज़ गिवन अस होम, गॉड ने हमें क्या दिया है, होम दिया है रहने के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, एक पोयम लिखी हुई है क्लास, जो पोयम है तो उसको आपको रीड करना है और उसके पैसेज के आपको आंसर्स देने हैं। ये एक तरह का पैसेज है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको उसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे पैसेज जो है तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा। ठीक है, एक मिनट। वर्ड साइंस ड्यूरिंग द डे, क्या है जो कि दिन के समय चमकता रहता है, तो द सन जो है हमारा वो क्या कह रहता है, दिन के समय भी चमकता रहता है। एक मिनट क्लास रुकिएगा, थोड़ा सा डाउट है। ओके, तो अब आ जाते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज द सन साइन, सन जो है कैसे चमकता है, हाउ डज द सन साइन, सन कैसे चमकता है, तो सन ब्राइट चमकता है, मतलब तेज चमकदार चमकता है। ठीक है, वॉट कम आउट बाई द नाइट, नाइट पे क्या आता है, तो आपको पता है मून आता है नाइट पे और स्टार, मून मीन्स क्या होता है, मून का मतलब होता है चांद और स्टार्स का मतलब होता है तारे। जैसे आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं तो आप इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स मेरी पीडीएफ से लिख सकते हैं, यही आपके सारे के सारे आंसर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डू द मून एंड स्टार वॉच द बर्ड, कैसे मून और स्टार्स जो हैं पूरी दुनिया को देखते रहते हैं, विथ क्वाइट आइज, मतलब कैसी आँखों से, बिल्कुल शांत आँखों से वो आपको देखते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और स्टार, आपके लिए सबसे अच्छा पसंदीदा कौन सा है, मून है कि स्टार है, तो मुझे जो है दोनों पसंद आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, बोथ लिखा है कि मुझे दोनों पसंद हैं। ठीक है ना, फिर एक लेट्स डू इट में लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट, आपको कुछ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, तो फ्लावर्स नेम पहले हम कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, फ्लावर्स नेम जैसे रोज़ हो गया, लोटस हो गया, जैस्मिन हो गया, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और डेजी हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फ्लावर्स के हमारे नेम हो गए क्लास। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट फ्रूट नेम्स बताना है आपको, फ्रूट्स नेम कौन कौन से होते हैं, तो फ्रूट्स नेम आपका मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया और कीवी हो गया, ये हमारे क्या हैं सारे के सारे फ्रूट्स नेम हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इफ़ यू थिंक दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज योर वन लाइक्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। Or and if you have any query regarding that video, simply you can comment below. I'm always there for you. I always try to resolve your query. And I also made a Telegram channel, MP Board Class 5th Solutions. So if you have any query, join that Telegram channel. I'm there for you. I will try to resolve your query. Thanks for watching, guys. We will meet on the next video. Okay.